5 मार्क्स, 5 मार्क्स कम से, 5 मार्क्स समझ लो 0.5% होता है 1000 में से, तो इतने मार्क्स की वजह से 25,000 का नुकसान हो गया। तुम्हें लग रहा होगा कितनी छोटी चीज है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमी सिटी एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने सभी ने मेरे को बहुत सारे मैसेज किए थे कि सर ये बता दो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कैसे करनी है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में, या फिर सर मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाए, या इलेक्ट्रिकल को कैसे पढ़ा जाए, मैकेनिक्स को कैसे पढ़ा जाए, वर्कशॉप को कैसे पढ़ा जाए, जो पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको सर हैंडल कैसे करना है। एक तो मैंने ऑनलाइन का वीडियो ऑलरेडी एक अपलोड कर दिया है, वो 5 से 10 मिनट कैडेट ने बता दिया था वहां पे आपको 5 से 10 मिनट में कि क्या क्या है, क्योंकि ऑनलाइन की पढ़ाई थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ऑनलाइन में आपका काफी कंफर्टेबल एनवायरमेंट रहता है, आप घर पे रहते हैं और कॉलेज में से और भी चीजें चल रही होती है साथ, और ऊपर से आपके ऑनलाइन में सिर्फ 6 सब्जेक्ट चलते हैं साथ साथ, और जब ऑफलाइन होता है तो 10 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ बाकी कॉलेज का करिकुलर वगैरह भी देखना होता है, घर पे वो चीजें काफी कम हो जाती हैं। तो घर पे ऐसा होता है कि आप लोग ज्यादा क्लासेस नहीं करते, जैसे कॉलेज में क्या होता है बहुत 7 बजे उठ जाते हो, 9:30 बजे क्लास जाते हो, तो उतना टाइम आपका बर्बाद हो रहा था, वो सब चीजें आपकी यहाँ पे बच रही होती हैं घर पे, तो काफी अच्छा टाइम होता है। तो बच्चे ने सॉरी कैडेट ने तो उस कैडेट ने अच्छे से बता दिया था आपको कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अगर आपका कैंपस ऑफलाइन खुल जाता है तो कैसे पढ़ाई करनी होगी। तो उसी के लिए मैंने अपने चैनल पे मेरे बैचमेट शैलेश यादव को बुलाया है, ये हमारे बैच में इनकी 4th रैंक आई थी, इनकी परसेंटेज भी 85% से ज्यादा थी, तो एक ऑफलाइन एनवायरनमेंट में 85% एक अच्छा अमाउंट मतलब रैंक होता है भाई, 4th रैंक आ रही है पूरे कैंपस में, यहाँ 250 बच्चे अप्रोक्सीमेटली पढ़ रहे हैं, और जिसमें से 140, 150, 160 बच्चे फेल हो जा रहे हैं, उसमें एक बंदा पास हो रहा है, तो कुछ तो उसमें स्पेशल क्वालिटी होगी और वो उसका टाइम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा रहा होगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो स्वागत है शैलेश आपका, तो आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में एक बार। कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन टू जॉइनिंग द डीएमईटी फैमिली। नाउ आई शेयर माय स्ट्रेटजी हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं यार, सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो तुम्हारा होता है, सबसे आसान सब्जेक्ट है जो पूरे पहले सेमेस्टर का हुआ है, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश के लिए क्या किया था तुमने और कितना स्कोर आया था इंग्लिश में, ये बता दिया भाई। इंग्लिश के लिए मेरा तो एवरेज था 71 मार्क्स 300 आउट ऑफ 100, तो एवरेजली टू जितना सभी बच्चों ने पाया था उतना मैंने भी पाया था, मतलब जितना मेरे बैचमेट ने। प्रज्वल तुम्हारे भी उतने ही मार्क्स रहे होंगे। मैं ज्यादा थे भाई, जैसे कि राजा बनर्जी सर थे, वो पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, उनके कुछ नोट्स वोट्स आए जो कि काफी हेल्प करेंगे आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं IMU के, तो आप उनसे पढ़ सकते हो बिल्कुल इजी वे में, और इंग्लिश में ज्यादा कुछ करना होता नहीं है, क्योंकि हमें भी सीनियर बैचेस कहते थे जब हम उनके उनसे पूछते थे सर इंग्लिश को कैसा पढ़ा जाए, वो भी कहते थे आप सर के डायरेक्टली नोट्स फॉलो करो, उसमें और कुछ नहीं कहना मेरे को भी। और स्पेशल बात इंग्लिश की भाई ये है, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, मेरे को थोड़ा सा याद है कि कुछ चैप्टर हमारे 12th वाले भी थे, मतलब डायरेक्टली 12th के चैप्टर थे, जो तुमने 12th में पढ़े हैं वही चैप्टर पूछे हुए थे दोबारा से उन्होंने। अच्छा कुछ नहीं लगा मैं कुछ कुछ थे भाई, क्या बता तेरा बोर्ड CBSE था ना। हाँ CBSE ही था। चलो इंग्लिश की तो बात हमने कर ली, आसान सब्जेक्ट था भाई, मेरे भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे उसमें, शैलेश के भी अच्छे मार्क्स थे। और अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में, थोड़ा सा जो टफ सब्जेक्ट होता है मैथ्स में, मेरे बैच में लगभग 85 बच्चे फेल हुए थे पहली बार में, तो थोड़ा सा टफ तो है यार वो। तो शैलेश तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे और तुम बताओ और कैसे प्रिपेयर किया था आपने? मेरे 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, तो मैंने कुछ प्रिपेयर तो अच्छे से किए थे, क्योंकि मैं क्या मतलब कि BS गरवाल जो बुक थी खन्ना पब्लिकेशन की, वो सब मतलब कॉलेज से जो मिली हुई थी वो मतलब पढ़ना है उसको, आपको थरोली स्टडी करना है, बट आप अभी घर पे हो तो मतलब अभी कॉलेज से इतना जल्दी BS गरवाल प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन जाके आप HK दास की बुक है जो किसकी पब्लिकेशन है मैं भूल रहा हूँ, मतलब HK दास है बुक है उसकी, मैथमेटिक्स है, आप हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है HK दास की, वो आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो उसका, इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन पे, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही सिमिलर है BS गरवाल का, और आप BS गरवाल को आप थरोली फॉलो करेंगे, और क्योंकि वहाँ से जो IMU के सेमेस्टर एग्जामिनेशन वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, उसके इवन एग्जाम्पल ही आपको डायरेक्टली उठा के पूछ दिए जाते हैं, तो आप बाकी इसके अलावा तो भाई पिल्लई मैम के नोट्स इनफ है आई थिंक सो।
तुम्हारे मतलब इसका क्या ख्याल है मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें प्रजो? नहीं मेरा तो ये था कि मेरी तो सपली थी, मैं तो कही बताऊं, पर जो मेरे को पेपर देख के लगा था ना यार, जो भी बंदा प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लेगा, हमारे टाइम में तो प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होते थे, अब तो सब चेंज कर दिया इन्होंने एमसीक्यू एमसीक्यू करके, पर अगर जिसने प्रीवियस ईयर पेपर किए होंगे और 11th 12th में अच्छा रहा होगा ना पढ़ने में, और जैसे शैलेश बोल रहे शैलेश तो बहुत ज्यादा मार्क्स है, पर उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें पास होना है, अगर वो 11th 12th भी अच्छे से करके आए हैं, नहीं भी करके आए हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो पास तो जाना था उस बंदे को, 35 नंबर आ जाने थे, बाकी तो सब जैसे शैलेश के 91 है उसके लिए तो आपको अच्छे से जैसे शैलेश ने बताया भाई कि थॉरली पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, और ऐसा भी नहीं है, देखो थ्योरी के लिए जो मेरा कंसेप्ट है कि बी एस ग्रीवाल से थ्योरी मत पढ़ो, क्वेश्चन उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हम एक चैनल भी था यार क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं ज्यादातर उसी से पढ़ते थे सारे बच्चे, भगवान दास चैनल था यूट्यूब, भगवान दास का चैनल था यूट्यूब का, भगवान दास बहुत अच्छा चैनल है यार, वहां से पढ़ लो, बाकी पिलाई मैम जो नोट दे रही है वो कर लो, बी एस ग्रीवाल के क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर कर लो, ये 3-4 चीजें होती हैं और इनसे हो जा रहा है, पर बच्चे भी नहीं करते वाले। और मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, तुम्हें पता होगा प्रज्वल, जब बिफोर द 15 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन इन आवर कैंपस इन आवर हॉस्टल्स व्हाट इज द एनवायरनमेंट, हर एक बच्चा हर एक मतलब कैडेट आपस में मिलकर भाई क्वेश्चन सॉल्व करते थे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते थे, तो हम बैठे थे हमारे रूममेट्स बाकी के सारे रूममेट्स अगर सवाल पूछते थे यार ये कैसे होगा वो कैसे, रात के 3-4 बज जाते थे पता नहीं चलता था सॉल्व ही हो रहे हैं वहाँ पे, तो मतलब ये तो बहुत काफी ज्यादा हेल्प की मतलब इवेंट के लिए। हाँ यार ये माहौल तो था काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज और बात थी भाई, देखो ये नहीं था कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, पर एक चीज थी भाई अगर तुम्हें कुछ आता है तुम दूसरे को शेयर कर रहे हो ना तब तुम्हारी ज्यादा हेल्प हो रही थी, उनकी नहीं हो रही थी जो सिर्फ पूछ रहे थे, मतलब ठीक है ऐसा थोड़ी होगा कि तुम पूछे जाओगे सामने वाला बताते जाएगा, कुछ तुम्हें बताओगे कुछ वो बताएगा, तो उससे ज्यादा मतलब उस रेंज में रहोगे तो बेनिफिशियल रहोगे, ऐसा मत करना कि पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई मैथ्स में तो, स्पेशली मैथ्स तो भाई प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतनी आसानी से पास होने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। अगला जो आसान चैप्टर सब्जेक्ट था वो लगता है मैकेनिक्स का था भाई, मैकेनिक्स से ज्यादा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं था इंग्लिश के बाद मुझे लगता है, मैकेनिक्स से क्या ख्याल है भाई तेरा बता, कितने आए थे तेरे यार मैकेनिक्स में? मेरे कुछ याद दिली शायद आउट ऑफ 70 मेरे 58 मार्क्स थे आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली इतने थे, मेरे को ये नहीं पता कि आउट ऑफ जो प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स थे उसमें से कितने मिले मेरे को ये नहीं पता, हाँ मेरे को ये पता है कि मेरे 58-59 मार्क्स थे, बहुत ज्यादा मैकेनिक्स बहुत कम उससे को मिल रहे थे हमारे में, जबकि पेपर इजी आया था मैकेनिक्स क्या चेकिंग करी थी, हां मैकेनिक्स सिंपल था बिल्कुल 11th और 12th का ही उठा के पूछा था, मतलब मेनली 11th ही होता है मैकेनिक्स में तो 11th ही पूछा था उन्होंने, बिल्कुल सिंपल था, इवन प्रोजेक्टाइल से पूछ रखा था उन्होंने क्वेश्चन, मतलब मैंने एक दिन पढ़ाई नहीं करी थी मैकेनिक्स के लिए, 2-4 पहले मैं पढ़ रहा था कुछ वो अजीब से नहीं होते वर्क पावर से रिलेटेड वर्क को मल्टीप्लाई कर दिया था कोविड वगैरह चल रहे थे कुछ अजीब सा था वो पढ़ रहा था, मुझे लगा ये पूछ लेंगे क्योंकि नया टॉपिक है, एक क्वेश्चन मेरे को 10 मार्क्स में मेरे को एक बड़ा ही मतलब अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब मैं एक घंटा पहले पेपर करके आया था और इस कॉन्फिडेंस आया था कि 70 के 70 सही है मेरे मार्क्स, देखे तो 48, मैंने कहा भाई क्या चेक कर दिया उन्होंने, कहाँ काट लिया नंबर मुझे नहीं पता लगा भाई आज तक उसका क्या करा उन्होंने, बाकी आसान और उसमें हाँ लामीज थ्योरी में देख लो उसमें आसान लामीज भी 11th है भाई, लामीज भी ऐसा कुछ नहीं नया नहीं है, 11th का टॉपिक था काइनेमेटिक्स, कुर्मी उसको काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट थी यार, काइनेमेटिक्स से टफ क्वेश्चन आ गए थे, बाकी तो मैकेनिक्स के थोड़े आसान थे काइनेमेटिक्स से थोड़े टफ थे, वो नहीं आया था ट्रेन वाला प्रॉब्लम आया था एक उसमें थोड़ा सा ज्यादा की इक्वेशन ट्रेन चेंज करन मैं वो कर नहीं पाया था वो प्रॉब्लम मेरे को समझ भी नहीं है, मैं अदर चॉइसेस भी मैंने वो दूसरा वाला किया था, मेरे को लगता है मैंने इंटरेस्टिंग ये था कि वो इंटरेस्टिंग था कि वो भी प्रीवियस ईयर से ही आया था, तो मेरा एक रूममेट था 50 मार्क्स का बोलता था प्रीवियस ईयर से था रूममेट बोल के मेरे से पूछा भी वो क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन शैलेश देख आता है तेरे को, मैंने कहा मेरे को नहीं आता मेरे को लगाना भी नहीं मेरे को समझ में नहीं आता है, प्रशांत की मैं बात कर रहा हूँ और वही एग्जाम अगले दिन वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, प्रशांत वो कर भी गया कर ले गया वो क्वेश्चन
प्रशांत का तो ये भी नहीं पता उसकी सप्ली कितनी आई और कितना हुआ, उसने एनडीए में चलाई उसने देखा भी नहीं रिजल्ट उसके बाद। उसने देखा नहीं अपना रिजल्ट। और क्या था भाई इसके बाद, और कौन सा आसान सब्जेक्ट था? थर्मोडायनेमिक्स भी आसान किया, काफी आसान थी थर्मोडायनेमिक्स भी। बुक डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिक्स का। हाँ मैकेनिक्स की बुक बता दे भाई, मैकेनिक्स की बुक बता दे कोई अच्छी बुक। मैकेनिक्स में बुक में इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स आर एस खुरमी की है। आर एस खुरमी इसमें मतलब इम्पोर्टेंट बुक्स है, आप उसको थोरली स्टडी करिए। ज्यादा डीप में मत जाइए, बस प्रीवियस ईयर आईएमयू के क्वेश्चन और जो सर नोट्स प्रोवाइड करेंगे या जो भी आपको फैकल्टी पढ़ाएगी उतना ही नोट्स। आर एस खुरमी के क्वेश्चन अच्छे, मतलब मैं तो थ्योरी नहीं कहूंगा बहुत अच्छी है उसकी, पर अगर हमारे कॉलेज की पढ़ाई करनी है ना तो बेस्ट बुक है भाई। मतलब अगर सेमेस्टर एग्जाम में बढ़िया मन मार्क्स लेके आने हैं 70 आउट ऑफ 68 तक भी तो बहुत अच्छी बुक है यार। पर बहुत अच्छे कंसेप्ट तो नहीं होते उससे, पर कॉलेज लेवल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इवन आप गेट आउट्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो भी मतलब रिकमेंड करते हैं उसको भाई, रिकमेंड करते हैं उसको भी। बाकी मैंने मैकेनिक्स के लिए तो बाद में मैं जो यूज कर रहा था, मैं तो SSR का यूज कर रहा था उसकी जगह। आर एस कुर्मी की मैकेनिक्स ऑफ मशीन की बुक मिली थी ना थर्ड सेकंड सेमेस्टर मिली थी शायद, एक पीएल बलानी दी थी भाई, एक बुक दी थी उन्होंने पीएल बलानी सेकंड सेमेस्टर में, इतनी मोटी बुक दे दी थी। सो कुछ मुझे आज तक समझ नहीं आया था उसमें, एक टॉपिक फ्रिक्शन टाइप का था वो भी मेरे को अच्छा समझ नहीं आया था। पर एक चीज यार रिकमेंड करूंगा, जो मैकेनिक्स हो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जितना हमने डिस्कस किया आपको पता ही लग गया होगा 11th का टॉपिक बहुत मेजर था। अगर तुमसे हो सकता है ना तो 11th का पढ़ लो, अगर तुम्हारे टॉपिक वीक हो ना तो पढ़ लो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। सुनते हो ना रणछोड़ दास होता है आता है वो ऐसे कर, ऐसे नहीं होता वो पहले से पढ़ के आता है भाई, ठीक है वैसे रहेगा। क्या करता भाई चलेश, एटलीस्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपके वो मतलब बेस हो जाएगा तो मतलब आप आगे के लेवल की मतलब पढ़ाई कर सकते हो इजीली। वही चले, इसकी 1600 रैंक थी और हमारे बैच में 4th रैंक है, पर एक देख रहे हो 1600 में शायद मेरे को लगता है बैच रैंक भी भाई जब तू आया होगा तेरी 130-140 रही होगी। हाँ ऐसे ही कुछ रहा होगा, देख लो भाई कॉलेज में अलग होता है सब, 12th 11th 12th से जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। और क्या यार, और इसके बाद कौन सा टॉपिक था जो तेरे को आसान लग रहा था? सैलेश तू बता भाई, जो तेरे को लग रहा हो आसान से था मैकेनिक्स में। नहीं मैकेनिक्स नहीं, मैकेनिक्स के बाद जैसे और कौन सा सब्जेक्ट था जो आसान था हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से? फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मतलब मैकेनिक्स के बाद तो जो मतलब सबसे कोर सब्जेक्ट है तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब आप उसको इजी ही लीजिएगा। मतलब अगर अभी आप टफ लेने लगेंगे तो फिर आगे के बाद के आईसी इंजन जब आप थर्ड ईयर में पढ़ने जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल ही टफ हो जाएगा। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में कंसंट्रेट करना पड़ेगा इनको, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे कुछ बताना है उसके बारे में, जैसे क्वेश्चन वोशन किस टाइप से रहते हैं, 11 12 से कैसे रिलेशन है उसका, कुछ आइडिया है तेरे को अभी? मतलब टाइम तो बहुत हो गया फिर भी कुछ है वो? नहीं नहीं उसका 11th से उतना मेजर पोर्शन है ही नहीं, मतलब 11th तो ओनली जो एक चैप्टर में भाई वो पूरी बुक है थर्मोडायनेमिक्स, वो एक चैप्टर था 11th में केवल, तो मतलब समझ सकते हो 11th का कोई मैच नहीं हो इसमें। मतलब आपको पूरा न्यूली स्टडी करना पड़ेगा, इवन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ एंट्रोपी एक्सर्जी सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, उसके क्वेश्चन भी काफी अच्छे अच्छे आईएमयू में पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स रियली गुड सब्जेक्ट है, भी है टफ भी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप स्टडी करोगे अच्छे से तो मतलब काफी एंजॉयमेंट, इसमें एंजॉयमेंट काफी रहता है इस सब्जेक्ट में। तेरे मार्क्स कितने थे भाई थर्मो में? 62 थे ना शायद, ऐसे कुछ बता रहा था पहले। 61 तुम्हें सबको पता नहीं होगा शैलेश के बहुत कम मार्क्स आए थे इंटरनल में, 312 मार्क्स थे इसके बाद, ऐसे यही थे ना यही इंटरनल? हाँ इंटरनल से मेरे बहुत कम मार्क्स थे। और मतलब जो टॉप 3 के देखोगे ना आप, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक थे उनके मिनिमम मार्क्स 345 थे इंटरनल में, तो इतना बड़ा फर्क था रेंज का तब भी वहां पहुंच गया। मतलब रिटर्न में मार्क्स में बहुत टफ हुआ था मैं, ठीक है तो बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं, जो अगर 60 आपको मजाक लग रहा होगा ना तो पेपर दोगे तो पता लगेगा 60-70 में से 60 लाना कितना भारी काम आता है। बाकी स्कूल में तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि इस साल तो तुम एग्जाम भी नहीं दे रहे भाई एग्जाम भी नहीं दिए उन्होंने, सीटी का एग्जाम भी दिया, एडमिशन ले लिया, एग्जाम फेस नहीं किया कोई भाई।
कहते नहीं क्या कर रहा है अभी भाई साल। अच्छा थर्मो का जो मुझे पर्सनली लगता था ना भाई, वो था कि जिसने जेई की प्रिपरेशन करी है ना थोड़ी बहुत, तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए थी। एक जो डिफिकल्टी वो थी वो नहीं ये थी भाई हमारे टाइम में, जैसे जो इंजीनियरिंग में लगती है वो मेरे को ये लगती है, कंसेप्ट सेम थे, वो नहीं था यार, वो गैस टेबल बोलते थे, स्टीम टेबल, सॉरी हाँ स्टीम टेबल नहीं थी वो, वो प्रैक्टिकलिटी भी घुस जाती थी ना हमारे कंसेप्ट में, वो थोड़ी डिफिकल्टी की हमने पढ़ तो लिए थे, जीरो जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पर उसमें वो प्रैक्टिकल पार्ट घुसेड़ देते थे कि ये भी हो गया वो भी हो गया और अब बताओ क्या आया। तो एक चार्ट दे देंगे तुमको कि 25 डिग्री टेम्परेचर है, 26 डिग्री सॉरी 26 पास्कल प्रेशर है, अब बताओ स्टीम का क्या है, सुपर सैचुरेटेड है क्या है। तो वो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर ऐसा नहीं था वो, एक बार चार्ट देखना आ गया तो तुम्हें समझ आ जाएगा। 11 12 से ही ज्यादा, मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता था कि 11 ज्यादा रिलेटेड है, बाकी मैंने ऐसा टॉप तो किया नहीं है, मेरे तो कितने थे भाई पास था मैं इतना याद है मेरे को, मेरे 44 थे शायद, 44 आए थे थर्मो में, मैंने एक ही दिन पढ़ी थी थर्मो, तो आसान दिया थर्मो मैं तो कहूंगा। ओवरऑल अगर सिर्फ पास होना है तो, अगर 60 मार्क्स है तो फिर लंबा पढ़ना पड़ेगा। बाकी उसके बाद यार मेरे को इलेक्ट्रिकल आसान, हाँ बता, अब सब बुक के बारे में बता, बुक के में इसमें तो मैं पीके नाग को रेकमेंड करूंगा, पीके नाग इज बेस्ट बुक है, सभी जानता है कि मतलब इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मतलब बेस्ट है, और इसके जो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सिंजल जो कॉलेज प्रोवाइड करता है वो बेस्ट है, वो बेस्ट बुक है वो, सिंजल आपको बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपके अंदर डाल देगा, अगर आप उसको रियली में टाइम देते हो तो। आप सिंजल से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो आप पीके नाव को रेकमेंड कर सकते हैं। इवन सिंजल के भी मतलब कुछ एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम है काफी उनका लेवल होता है भाई, बहुत ऊंचा लेवल है वो करने के लिए, मैंने आज तक नहीं करे, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ी और प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, और भाई वो 200-200 क्वेश्चन दे रखे होते हैं हर एक चैप्टर में, मतलब बहुत लेंदी लेंदी होते हैं वो, उनके प्रॉब्लम जो होते हैं ना काफी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ऐसे नहीं की थ्योरेटिकल कुछ देंगे, कुछ नया सा वैल्यू निकालेंगे, 27.33 मतलब सॉलिड सॉलिड नहीं देते भाई वो कुछ भी। अरे वो बहुत अजीब बुक है, उसमें थ्योरी अच्छी है, पर सर बोल रहे ना पी के नाग वो बेस्ट है, अगर आपको अच्छे मार्क्स आने हैं, बाकी सिर्फ पास होना है तो प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो 10 साल के क्वेश्चन, तो वैसे ही बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे वो, और उन्हें सॉल्व कर लो भाई, पास हो जाओगे आराम से। अगर आपका और भी क्वेश्चन लगाने का मन करता तो आर के राजपूत भी है, आर के राजपूत है, और उसके बाद भी मन कर रहा है मैं तो कहूंगा सेंजल से अच्छा गेट के पेपर लगा लो भाई, सेंजल छोड़ देना, गेट और ईएससी के भी पेपर लगा सकते हैं, ईएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां भी जा सकते हो आप। अच्छा हाँ मैकेनिकल और मरीन का जो सिलेबस है ना भाई, आप मान सकते हो कि 60% सेम है, 40% कुछ कुछ डिफरेंट रहता है ऑप्शनल, और तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होती है ना वो उसका पार्ट होता है भाई, वो प्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट होता है, वो नहीं पढ़ाते हमें, वो मैनेजमेंट वगैरह होता है उसमें, कुछ हमें कुछ और पढ़ा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वो सब अलग है, बाकी सब हर एक सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है, इवन फोर्थ सेम तक जो मेजर पोर्शन होता है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ, जैसे फोर्थ में भी नहीं होता, जैसे जो मैं देख रहा था मेरे दोस्त पढ़ते हैं आईआईटी इलाहाबाद में, जो हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे वो फोर्थ में पढ़ रहे थे, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में से हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने नहीं हमसे ही नहीं सुना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सब्जेक्ट ही नहीं हमारे यहाँ ये, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, वो सब मजाक नहीं होता कि तुम जो तुमने वहां पढ़ा था फिर से दोबारा पढ़ लो, वो नहीं चलेगा यहाँ पे, पर सिलेबस आसान ही होता है जो जनरल होता है भाई, ऐसा नहीं होता पहले सेमेस्टर का, मैं तो कहूंगा आसान होता है, तुम्हारी लापरवाही वैसे फेल हो गए तुम, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके सिवाय। और इसके बाद भाई जो मुझे आसान लगा था ना वो था इलेक्ट्रिकल भी मेरे को आसान लगी थी, मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं पास कैसे हो गया, तो मुझे ओवरऑल यही समझ आएगी कि मैंने इतनी कम पढ़ाई करी थी फिर मैं पास हो गया, मतलब सब्जेक्ट ही आसान था ये, और जो 11th के कुछ कुछ टॉपिक सॉरी 12th के कुछ कुछ टॉपिक एग्जैक्टली आ रहे थे भाई, वही कुछ डिफरेंट थे वो मेरे से, वो नहीं तो मतलब मेरे मार्क्स आए नहीं थे, 48 थे शायद या 46 थे ऐसे कुछ थे। तेरा क्या एक्सपीरियंस था भाई, तेरे कितने थे? 59 थे तेरे, 58 60 59 ऐसे ही है सब की? सही है भाई सही है, हाँ ऐसे ही थे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब कि आप जो क्लासेस अटेंड करेंगे स्पेशली ए के सिंह सर के, जो भी फैकल्टी है वो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे टीचर है, पढ़ाते बहुत बढ़िया है, काफी बच्चे उनके क्लास में सो जाते थे हमारे बैचमेट्स होते हैं,
बंदा वो स्लो बहुत बोलता था यार, काफी धीरे धीरे वॉइस की। काफी गलत शब्द यूज कर रहा है सेलेश। एक सेलेश ही अच्छा क्लास ठीक में है, जा रहा था, स्पार्क्स को फिर स्पार्क्स सेलेश जग रहा था, और एक कौन है तेरी क्लास में, रोहित करके नाम है, ये दो बंदे जग रहे थे, पूरी क्लास हो रही थी इनकी। एक तो सबसे मतलब बड़ा बड़ा डिसएडवांटेज होता था कि पीटी परेड करके आ रहे हैं हम लोग, हाँ इतना थके सब हुए हारे हुए। ऊपर से जो ब्रेकफास्ट होता था ना, वो भी मतलब खूब दबा के होता था, भाई कोई थोड़ा मोड़ा नहीं होता, दबा के दबाएंगे भूख लगी होती। क्रिकेट के वो दिन याद है ना तुम्हें, छह 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 बजे भाई ग्राउंड में छह बजे जाते थे और ग्राउंड 8 साढ़े 8 में बजे आते उठना थे। होता था, 4:30-5 बजे के आसपास उठ जाना होता था, हूटर बजने से पहले, और हर दरवाजे में जाके नॉक करते रहो, एक्सक्यूज मी सर, जाके सीनियर को भी जाना आज कहते। हम सर खेलते, तो बहुत खराब था। अरे 9:20 पे छोड़ते थे, 9:25 पे हॉस्टल में आते थे, और 9:30 पे हॉस्टल छोड़ना होता था भाई, कितना गंदा रहता था, बिना नहाए धोए पसीने में वही कपड़े बदले और पहन के वही भाग रहे भाई, बहुत खराब थे यार फिर उस। वही मतलब एक एके सिंह सर की क्लास में सब कहते थे भाई लोरिया सुना रहा है, मतलब इतना धीरे धीरे बंदा बोलते थे। बाकी पढ़ाते बहुत अच्छा था यार वो, उनका था कि उनके नोट्स वगैरह बहुत हाँ अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और अपना वो आता था उनके, यार आप नोट से सीरियसली शरारत ही मारिए। उसका रहता था, जो मुझे लगता था ना भाई, जो हॉस्टल में जाने के बाद सबसे खराब लगता था वो था कि जब इंस्पेक्शन होने लगता था हॉस्टल का, कौन कौन हॉस्टल में, सबको बाहर निकालो, 5 मिनट भी है एके बंदे सिंह नंगे सर घूम रहे, क्रिकेट वाले तो ऐसे ही घूम रहे होते थे बनियान वनियान में, कि कपड़े पहन ले जल्दी, तब तक तो आता था वो, क्या बोलते हैं, अबे ओएसी हॉस्टल आया था भाई, तब तो तमाशा रहा था ना, स्पोर्ट्स बंद रहता था 2-4 दिन के लिए, कोई पकड़ा गया। अरे मेरे को एक बात याद आ रही, हॉस्टल में मैंने आ रहे बाथरूम में नहा रहा था, हाँ हूटर बज गया। अब बंदा करे मैं क्या, हूटर फाड़ में जब पहले नहाते हैं, अभी अभी अरे ब्रेकफास्ट भी करना था। फिर बस यार ब्रेकफास्ट से क्या सीन था तेरे को, फिर ब्रेकफास्ट में क्या करते थे, प्लेट ले अरे लेते थे, सुन तो पूरी दलिया पहले। भर ली भाई, सब कुछ निकाल के रख देते थे, ब्रेड ब्रेड तुम रखो इधर, बस ऐसे पीते थे भाई, हाँ गिर रहे गिरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बोल रहा है। और दोपहर में भी खाने को खाना, कभी कभी खाने का मन ही नहीं करता था, दाल गिलास में ली पी ली खत्म, हो गया आज का खाना भाई, कभी कभी तो ऐसे गया मेरा। नहीं वर्कशॉप से आने के बाद भाई गजब का भूख लगता हाँ भूख भूख भी और नींद भी भाई, और वर्कशॉप ऐसी जैसे तुम लोग समझते होगे ना, नॉर्मल जो कॉलेज में चल रहा है वर्कशॉप, ऐसा नहीं होता, तुम यूनिफॉर्म पहनोगे, तुम बारी बारी जूते पहनोगे, हेलमेट लगाओगे, और था। अबे बिल्कुल सबसे भी बड़ी एडजस्ट बात नहीं तो सीनियर करोगे, हॉस्टल के सामने दौड़ के जाना पड़ता हाँ था। वहां से पहले 500 मीटर दौड़ोगे तुम, और फिर वहां जाके खिंचाई करोगे, और 5 मिनट लेट पहुंच गए ना, तो मेरा जैसे रूम है ना मेरा 4x4, वैसे बड़ी मशीन दे देंगे तुम्हें, और एक झाड़ू पकड़ा देंगे इसे साफ करो। मेरे को एक बार वो नहीं था, 4 RAM करके नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, नाम ज्यादा 4 RAM था ना, एक 4 RAM बाहर ही रखा था, वो साफ करवाया भाई उसने, हाँ मोड़ हाँ दिया। वो तूने साफ भी कर दिया। हाँ भाई क्या करता, 3 घंटे साफ किया मैंने लगातार, 9 बज के मेरे को ऐसे बोलता था तो मैं क्या करता था, बाथरूम का बहाना बना देता था, कुछ 10-15 मिनट वहां काटता था, फिर आता था, फिर चलता जाता था, ऐसे कट हाँ जाते तो थे। दिमाग नहीं लगाया, दिमाग जैसे ठप पड़ गया था भाई, स्पोर्ट्स खेलते खेलते जो बोल दिया कर दो, स्पोर्ट्स यार स्पोर्ट्स में बहुत। 4 बार तो पानी पीने जाना है, कम से कम पांच हाँ पांच मिनट का, तो मतलब 20 मिनट तो ऐसे चले गए, फिर 4 बार 5 बार बाथरूम जाना, वहां पे 10-10 मिनट में करके ऐसे चले, ऐसे बीत गया, मतलब 1.5 घंटा ऐसे बिता देना है, हाँ तीन भाई घंटे का तो होता था। 3 घंटे का होता था ऐसे, नहीं 3 के बाद खत्म, 3 सुबह फिर खाना खा के दोबारा 3 घंटे रगड़ो, हाँ इतना बड़ा लोहे का डब्बा पकड़ा दिया उसने, अबे नींद आ रही है फिर भी सोते जाते। सोते सोते वैसे चिकना ही करना है, कभी नहीं किसी का नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा भाई किसी का वो ट्राई स्क्वायर से मैच कर गया हो, सबने बस छोड़ दिया उसके बाद, वो ठीक है उसे काट दो। तेरी कितनी ब्लेड टूटी थी भाई, मेरी तो बहुत सारी टूटी थी, 2-3 गई थी मेरी, हमें हमें ठीक एक है सबने ट्राई किया, लेकिन कई लोग तो ऐसे भी थे मतलब जैसा मिला वैसे उसमें नेम प्लेट का मतलब वो करके हाँ पंच करके दे हाँ दिया। भाई ये भी होता, कईयों ने बाहर से बनवाया था वेल्डिंग वालों से, हाँ लेकिन बाहर वालों से वो पकड़ लेता था, फिर मतलब बोलता था मना आप कर पंच बनाओ। देता ये नहीं चलेगा। तो इसके बाद एक और सब्जेक्ट बच रहा है ना हमारे पास, क्या नाम था उसका, इलेक्ट्रिकल, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्कशॉप ही बारे था में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता भाई थोड़ा बहुत,
इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या तेरा व्यू था? इलेक्ट्रॉनिक्स तो मतलब जो ट्वेल्थ में आप पढ़ रहे हो वो भी बेसिक्स है, मतलब उसके अलावा आपके पास आपको ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ना था और भी कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो है पढ़ना पड़ेगा, मतलब काफी सेम टू सेम मतलब ट्वेल्थ ही है, मतलब मेजर पोर्शन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। पर मेरे साथ और मैं कहूंगा बीएस करे जाएगा, पढ़ लेना मतलब बहुत रहोगे आगे चल के। उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है भाई, उसमें सेकंड में नहीं था, थर्ड में था शायद, तुम्हारा से थर्ड में आया था, थर्ड ईयर में, वहां बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं पढ़ोगे तो उसे। और भाई मैं कहूंगा किसी सब्जेक्ट को, फोर्थ में भी था, थर्ड मेन सब्जेक्ट है, हां भाई मेन सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा खासा लेवल पे पढ़ाएंगे तुमको। और इसमें यार इसमें बुक सफिशिएंट थी ना, एक बुक मिली थी हमें कॉलेज से इलेक्ट्रिकल की, बीएल थरेजा है, बीएल थरेजा सफिशिएंट बुक है। बीएल थरेजा नहीं मिली थी यार फर्स्ट सेम में, हां फर्स्ट बीएल थरेजा बहुत अच्छी बुक है यार इसके लिए। और एक और मिली थी कोई बुक मिली थी कॉलेज से, नाम भूल गया उसका, वो भी ठीक ठीक बुक थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं थी पर अगर तुम्हें थ्योरी थ्योरी पढ़नी थी तो वो अच्छी थी, कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे थे। क्या नाम था उसका, मोटिव तक होगा क्वेश्चन के लिए। हां क्वेश्चन के लिए भी बीएल थरेजा पड़ेगा, क्वेश्चन के लिए तो बीएल थरेजा बेस्ट है, लैंग्वेज भी उसका मतलब सही है, हां लैंग्वेज भी ठीक ठीक है। बीएल थरेजा बस एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है कि कहीं कहीं उसमें एरर है यार, वो टाइपिंग एरर है कहीं कहीं क्वेश्चन में, जो एग्जाम्पल देते हैं ये थोड़ी सी दिक्कत लगती है करते करते ऐसा लगे। एक तो ज्यादातर बच्चे ऐसा तो प्रोफेशनल होते नहीं कि उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने जो किया सही है, तुमने पूरा सॉल्व किया एक घंटे में, फिर वो थोड़ा सा गलत दिखा दिया उसने तो दिमाग खराब हो जाएगा कि यार क्या हो गया ये, तो बहुत ज्यादा वो दिक्कत रहती है। बाकी तो बीएल थरेजा अच्छी बुक है। और बीएल थरेजा करने से पहले तो मैं ही रिकमेंड करूंगा, जैसे सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया तुमने बीएल के, उसके बाद जो पीवीएसएल पेपर जो कर रहा था ना सरेश भाई थे वही सॉल्व कर लो, उससे अच्छा फिर बीएल के अनसॉल्व करो मैं तो कहूंगा। बाकी तेरा क्या है, तेरे कितने आए थे इलेक्ट्रिकल में? मैं भी रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर, तो क्वेश्चन तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मतलब आप और भी मन कर रहा है तो फिर बीएल थरेजा के अनसॉल्व क्वेश्चन या सॉल्व क्वेश्चन एग्जांपल मैं कह रहा हूं तो बहुत है, उसमें तो इनफ है। हां यार वो एग्जांपल भी कम नहीं है उसमें, 40-50 क्वेश्चन है हर चैप्टर में लगभग एग्जांपल के नाम पे। ठीक है यार इलेक्ट्रिकल भी आसान सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं, अगर तुम 11 12th अच्छे से करके आए हो ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है बस जो क्लास में पढ़ाएंगे उसे पढ़ते रहना साथ साथ, कोई इशू नहीं आएगा। देखो मैं कहूंगा ऑनलाइन क्लासेस को सिंसियरली अटेंड करना, ये नहीं कि मतलब हो रहा है बस करना, सही बात है यार ऑन करके सो गए हां वो तुम्हारे साथ मजाक हो जाएगा, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मजाक हो जाएगा, ऑफलाइन में प्रेशर रहता है, ऑनलाइन में 6 महीने बाद जब आईएमयू एग्जाम लेते हैं तो फिर ऐसे हार्ट ब्रेक जैसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। याद है पिछला सेम याद है ना भाई, नेगेटिव मार्किंग 0.5 नेगेटिव मार्किंग 0.5 इनके एंट्रेंस एग्जाम में आज तक नेगेटिव नहीं हुई, और इसमें सेमेस्टर में 70 मार्क्स के वेवर में 35 नंबर कट ऑफ भी है, तो 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग है, तो समझ जाओ टफ बहुत है भाई, बहुत टफ है यहाँ पे। फेल करना है कि पूरी प्रयास करी जाएगी आपको किस तरीके से फेल किया जाए, पास नहीं करना है उनको, फेल जरूर करना पर तुम्हें, ठीक है बहुत ज्यादा परसेंटेज बहुत ज्यादा है फेल होने का, इसको हल्के मत लेना। इंजीनियरिंग का मेरे को कन्फर्म पता है अपने कॉलेज का कि अगर ऑफलाइन चलेगा ना सब कुछ तुम्हारे बैच में 70% बच्चे फेल हो जाएंगे एक बार में, तुम्हें ये क्या हो गया पैमाइन आया था आधी जनता मर गई, इनमें ज्यादा परसेंटेज होगा, ज्यादा परसेंटेज होगा, इनका ज्यादा रहेगा भाई, इन्होंने पढ़ाई करे टाइम हो गया इन्हें तो। बाकी तो ठीक है यार, बाकी तो सर ने बताई दिया तुमको क्या क्या सही है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी रह गया आई थिंक, हाँ वर्कशॉप टेक रह गया भाई उसका बताओ, उसमें तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, मेरे 16-17 मार्क्स आए थे कुछ ऐसे थे, 18 थे मैक्सिमम सप्लीटी पूरे बैच से, 105 बच्चों की सप्लीटी यार सब्जेक्ट में देख रहा है। मैंने क्या किया था मतलब कुछ नया नहीं किया था, मतलब सी सर का सर के जो पीपीटी के नोट्स थे मैंने वो थोरली फॉलो किया था, उसके अलावा मैं सी सरकार के केबिन में गया और सर से मांगा कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर देते तो उन्होंने 10-10 साल के पेपर दे दिए मेरे को, फिर मैंने प्रिंट करा लिए उनको, फिर अच्छे से उनको सॉल्व किया, बस इतना ही, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, आ गए अच्छे मार्क्स, 56 मार्क्स थे 70 में से, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं हल्के मतलब उनका हाईएस्ट थे हमारे बैच में, या फिर 2-4 मार्क्स किसी और साथ आए होंगे, इससे ज्यादा मार्क्स ही नहीं थे भाई वर्कशॉप में, मैक्सिमम बच्चे जो पास हो रहे थे मैं तो सोच रहा था 35 मार्क्स यही भाई, मैंने 2-4 से बात करी 35 35 35, एक वो नहीं है विदित भास्कर उसके 35, प्रणव रंजन उसके 35, और एक रिक्तम गढ़ाई है मेरे बैच में हमारे न्यूटन में
उसे 35 थे भाई, तो मैं तो सोच रहा था ऐसे ही पास करा है सबको 35 पलट के, और जिसको 34 भी आया ना वर्कशॉप में तो उसने वो डाला था ना क्या बोलते हैं रीचेक के लिए, उनको फिर 28 ही दे दिए, रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएट करके कम कर दिया भाई, उनके पढ़ाई नहीं थी किसी के वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप का पेपर टफ होता है भाई, देखो अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो तुम प्रैक्टिस करना चालू कर दो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी भाई तू बताया ड्राइंग ड्राइंग के लिए क्या करना चाहिए। ट्राई करना हर एक क्वेश्चन में ड्राइंग करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ही मतलब ड्राइंग से ही रिलेट करके आप उसको मतलब अच्छे वे में आंसर राइटिंग कर सकते हो। बिना ड्राइंग के मतलब आप जितनी भी थ्योरी लिखते जाओ कोई कोई फायदा नहीं उसका, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तो बहुत आसान हो जाता है ड्रॉ कर दिया तुमने खत्म। एक्सप्लेन कैसे करोगे गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व में कि ये ऐसा होता है, उसमें थोड़ा सा फटाक से डायग्राम बनाया और तुमने दिखा दिया पूरा नोटेशन कि ये ऐसा है वो वैसा है खत्म। और वगैरह के बारे में सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट में तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, बहुत बुरी हालत यार, बहुत कम बच्चे पढ़ पाते हैं उस सब्जेक्ट को। रटने का एक तो तुम्हारे 11 12 से रिलेटेड नहीं है, उसको तुमने सीरियस नहीं लिया ना पक्का फेल हो जाओगे। हाँ वो बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, बिल्कुल भाई बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है वो, और जल्दी दिमाग में घुसता भी नहीं है, बोरिंग सा लगता है जब टीचर हाँ। पढ़ाता है मतलब क्या पढ़ा रहा है भाई क्या पढ़ा रहा है, इसे मैं खुद पढ़ लूंगा, तुम हमेशा फील करेंगे इसे मैं खुद पढ़ लूंगा, और वो बुक इतनी हाँ लगेगा खुद पढ़ रहा, इतनी मोटी बुक मिलेगी उसकी, इतनी मोटी तो उसमें से 15 पेज पढ़ने होते हैं बस, पर ढूंढते रह जाओगे उसमें क्या पढ़ना है तुम्हें, नहीं मिलती है वो बुक, अच्छी नहीं है भाई, इतनी अच्छी बुक नहीं है। जितनी सर देंगे तुम्हें पीपीटी देते हैं सर, जैसे सी सरकार बता रहे सी सरकार सर का बता रहे ना ये, तो सी सरकार सर क्या करते हैं वो, तो उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर दे दिए थे हमें, तो एस मित्रा सर पढ़ाते हैं उनकी पीपीटी बहुत अच्छी थी, तो वहां से जिन बच्चों ने फॉलो किया था पक्का पास हो गए थे यार वो। और एक और चीज थी भाई, क्या था उसका नाम सी सर, जैसे इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था भाई, मतलब अगर तू बताएगा वर्कशॉप से मैं तेरे से पूछना है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए डे वन से लेके और सेमेस्टर एग्जाम तक वर्कशॉप की। मैं तो कहूँगा ऑनलाइन सारे ऑनलाइन क्लासेस आप बिल्कुल सीरियसली स्टडी करिए, जो भी सर पढ़ा रहे हैं मतलब आप उसको शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा, मतलब क्या क्या पढ़ा रहा है एक्चुअली, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये भी नहीं पता चला कि कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, क्या पढ़ा रहे हैं मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि एटलीस्ट अगर बंदा ऑफलाइन में होता था हाँ बोर्ड में व्हाइट बोर्ड पे सर लिख के अच्छे से समझाते थे कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है ये चीज ऐसे हो रहा है, मतलब समझ में आता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में ये कुछ नहीं होता है, मतलब डे वन से मतलब स्टार्ट करिएगा शॉर्ट नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिएगा ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवाइज आप करते रहिएगा। अच्छा चले एक बार ये बता थोड़ा सा अपना, जैसे हम लोग कॉलेज में थे भाई तब तो कितना कम टाइम मिलता था, तो टाइम कैसे निकालता था भाई, सब कुछ पढ़ाई करने का टाइम कब निकालता था, कहाँ से आता था, हम पे नहीं आया कभी। मैं तो कुछ क्रिकेट में बकचोदियां करता था, ये बदन दर्द हो रहा है बहाने मार के चला जाता था क्रिकेट में तो था ही भाई सही, पर तू आता था ऐसा नहीं था भाई, मैं जैसे मैं तो रोज जाता था पर तू ऐसे हफ्ते में सात में से पांच दिन आ रहा था, मैंने देखा था तेरे को, पांच जो बच्चे तीन दिन आए वो भी फेल हुए भाई, तू पांच आया तेरी रैंक भी फोर थी, तो हल्के में अप टू टीम में भी खेला था हमारे साथ, तो और तू खेलने भी अच्छा था, ऐसा नहीं था भाई शैलेश मजाक के खेलने का मामले, शैलेश ने बढ़िया खेला है भाई, हमारे बैच में से बढ़िया बॉलर था ये, सबसे बढ़िया लगता है दो चार थे, संयम था तू मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानी, ये दो चार बंदे खेलते थे बढ़िया भाई, और शैलेश उनमें से अच्छा था यार, बाकी कैसे मतलब मैनेज कैसे कर रहा था सब चीजों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बिल्कुल सीनियर से बिल्कुल फ्री तभी होते हैं आप, बिल्कुल ओनली क्लास के टाइम होते हैं, जब क्लास चल रही होती है तभी आप सीनियर्स के मतलब सीनियर से फ्री होते हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, तो अब मतलब आप वहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेट हो सकते हो। मैं उसका मैं फुल यूटिलाइज करता था उस टाइम का, फिर उसके बाद मतलब जो जो जिसके पीरियड्स नहीं चले मतलब कोई टीचर नहीं आया कोई फैकल्टी मतलब एब्सेंट है, तो मैं चला जाता था लाइब्रेरी में बिल्कुल आराम से पढ़ता था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, फिर शाम वाम को होता था तो एक आध दो घंटे में उधर हॉस्टल में भी निकाल लेता था, हॉस्टल में तो वैसे उतना टाइम मिलता नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था खेलने के लिए बुला लेगा, फिर उसके बाद फॉलिंग भी बहुत लंबी चलती थी 11-11 बजे तक चलती थी, मतलब पासपोर्ट भी ऐसे नौटंकी हो रही थी इतनी, आप जो भी देख रहा है ना भाई पासपोर्ट बनवा लो अभी भी मौका है बनवा लो। फिर उसके बाद 5 बजे से हुटर बज जाना, उठना है आपको भाई पीटी के लिए सुबह 5 बजे उठना है भाई, और पीटी भी इतनी टफ वफ नहीं होती, पर जिस कंडीशन में हम लोग कॉलेज गए थे ना
हमने कुछ करा ही नहीं था, तो हमें हर चीज भाई मुझे तो बहुत ही हार्ड हार्ड लग रही थी क्या, 200 मीटर भागे सारी छाती फट गई ऐसा रहता था। नहीं तो, हार्ड कुछ नहीं था, हार्ड सबसे हार्ड था बेड से उठना। हाँ सबसे हार्ड बेड से उठना। और मैं तो कहूंगा अगर कॉलेज ऑफलाइन चलने वाला होगा ना, थोड़ा जिम विम कर लो या कुछ कर लो, मतलब भाई खेला करो रोज जाके, तो उससे मेंटेन रहेगा भाई। मैं जैसे हमारे यहाँ के बैच के अच्छे बच्चे थे ना, या तो उन्होंने स्पोर्ट्स किया नहीं, या स्पोर्ट्स का जो कर रहे थे ना वो ऑलरेडी बहुत अच्छे थे भाई स्पोर्ट्स में। जैसे तू भी है भाई, क्या बोलते हैं वो नहीं था क्या नाम था उसका, छोटा फिर से थोड़ा सा छोटा सा रोहित राज, उसका तो मैराथन में भी थर्ड रहेंगे भाई। तो उन सबको तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई यार, बहुत सारे थे, परमानंद भी था और भी थे, अच्छे अच्छे बंदे थे जो पढ़ने में अच्छे थे, स्पोर्ट्स भी थे। मतलब मैं तो कहूंगा यार करके आओ, मेरे को तो बहुत नुकसान हुआ था मेरा पहला सेमेस्टर, तुम यकीन नहीं मानोगे, बच्चे मुझसे ये पूछते थे कि तू जग रहा है या सो रहा है क्लास में, मतलब सारी क्लास सोती सोती निकल गई मेरी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ पहले सेमेस्टर में। तो इस चीज का ध्यान रखना यार, बहुत नुकसान होगा अगर आप फिजिकली फिट नहीं है और कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, बाकी ऑनलाइन में तो अच्छा ही है। और शैलेश को मैं बताता हूँ, शैलेश के बारे में, शैलेश बहुत गंदा रहता था भाई इसी के चक्कर में कि ना किसी कोई कभी नहाएगा नहीं, कपड़े नहीं बदलेगा, सारा टाइम बचाता था किसी भी तरीके से पढ़ना है। ये बात मैंने उसके रूम वाले बताते भाई, वो कैसे भी निकाल लेता टाइम, और जैसे हम लोग 9 बजे 11 बजे छूटते थे ना, तो वो 11 से 1 फिर भी पढ़ेगा, चाहे सुबह फिर 5 बजे उठना हो पर वो पढ़ेगा। तो समझ लो उस लेवल का मोटिवेशन चाहिए होता है पढ़ने के लिए, बाकी तो सिर्फ पास भी होना है तो पढ़ लोगे काम वर का हो जाएगा, पर अगर टॉप ऑफ करना है तो भाई ऐसा पढ़ना पड़ेगा अगर करिकुलर के साथ रहोगे इन्वॉल्व। और मैं कहूंगा यार करिकुलर करना थोड़ा बहुत ठीक है, पर एक मैनेज वे में ऐसे चैलेंज कर रहा था बाकियों के तरीके से नहीं। और बहुत सारे सीनियर तुम्हारे मेरे ही बैच के आओ और सीनियर तुम्हें बहकाएंगे कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता वो नहीं होता, सब फेल होते हैं सब फेल होते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है यार, कोई अच्छी बात नहीं है, तो बहुत गंदी बात है, तुम फेल हो रहे हो, माँ बाप का पैसा लगा हुआ है, तो उस चीज को ध्यान रखना। बाकी टाइम रहता है यार पढ़ने का, ठीक है टाइम बहुत रहता है पढ़ने का यार। अपने स्पोर्ट्स कितने पहले दिन कितने पहले खत्म हो गए थे, क्रिकेट था जो लास्ट में चल रहा था और फुटबॉल, बाकी सब कितने दिन भी खत्म हो गए थे, एक महीने 20 दिन टाइम मिल गया था, जो कि बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है अगर आप क्लास में अच्छे से ध्यान दे रहे हो। क्रिकेट वालों को भी ज्यादा मिला था, वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, उनका लगभग एक महीना के 1.5 महीने मिले थे, टेम्पेस्ट के बाद नहीं हुआ उनका कुछ, और हमारा चल रहा था बहुत लंबा उसके बाद भी। और टेम्पेस्ट 7 नवंबर को होता है और सेमेस्टर एग्जाम तुम्हारे 10 या 12-15 दिसंबर पे थे, तो इस टाइम तुमने क्या किया और क्लास भी नहीं हो रही, मतलब 24 घंटे है तुम्हारे पास, तो वहां पे भी पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑल इन में भी जल्दी छोड़ देते हैं, मतलब 5 मिनट की बॉल पड़ेगा ऑल इन होते थे, चाहे वो कितना ही गहले की पड़ेगा कुछ नहीं होता, पर वो जाके पढ़ेगा भाई ठीक है। तो वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए पढ़ना, मतलब एक थोड़ा सा शेड्यूल बना लेना, सिलेबस देख लेना अच्छे से, तो यही कहूंगा यार मैं, तो मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा, अगर पास होने वाली बात कर रहे हो शैलेश का तो तुम जानते ही हो कैसे पढ़ना है, उसने तो सब चीजें बता दिया तुम्हें, बाकी कोई पर्सनल टिप देनी हो भाई तेरे को जो आपके डिसाइड करेंगे आप प्लेसमेंट में बैठोगे कि प्लेसमेंट ले सकते हो कॉलेज से कि नहीं, क्योंकि इसके बाद आपके फिर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है, फिर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड है, फिर आईसी इंजन आ जाता है आपका, फिर मैकेनिक्स ऑफ मशीन जो कि बिल्कुल कोर है, फिर इसके बाद सेकेंड सेम में थ्योरी ऑफ मशीन फर्स्ट, थ्योरी ऑफ मशीन सेकेंड है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में तो फिर उसके बाद मोटर्स आ जाती हैं, डीसी मोटर, एसी मोटर, फिर ट्रांसफार्मर, सब कुछ आ जाता है, मतलब आप बिल्कुल इसको इजीली इजी मत लीजिएगा कि हाँ फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ना है, कई होते हैं ना कि नहीं क्या होगा पढ़ के, मतलब फर्स्ट अभी तो फर्स्ट सेम ही चल रहा है, सेकेंड सेम में पढ़ लेंगे, फिर सेकेंड सेम में ऐसा होता है कि वो बिल्कुल रिलेट करता है फर्स्ट सेम से, जैसे थर्मोडायनेमिक्स से बिल्कुल रिलेट करेगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर के थर्मोडायनेमिक्स जो सेकंड सेम का थर्मो रहेगा बिल्कुल फर्स्ट सेम से रिलेट करेगा, अगर आपने फर्स्ट सेम अच्छे से नहीं पढ़ा तो सेकंड सेम भी हवा में चला जाएगा, फिर थर्ड सेम में तो जाना ही जाना है, फोर्थ सेम भी चला गया, फिर फिफ्थ सेम में आओगे आईसी इंजन पढ़ोगे तो वो बिल्कुल चला जाएगा ऊपर, बिल्कुल हवा ही लगने की भाई। ऐसे यही कहना कि आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए, इवन फर्स्ट डे से आप बिल्कुल सीरियसली क्लास अटेंड करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर इवन आप वन वन डे करके रूटीन फॉलो कर रहे हो तो फिर एग्जाम के टाइम बिल्कुल आप बिजली अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे, फिर आपको सेकंड सेम फिर थर्ड सेम भी इजीली बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, कोई ज्यादा कुछ आपको मतलब कि डिफिकल्टीज नहीं होगा। वैसे शैलेश ये बता भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए फिर भी दिन में तेरे को लगता है कि इससे ठीक ठाक अच्छा बच्चा बन जाएगा, बंदा ठीक ठाक मार्क्स ले आएगा,
85-86% ऐसा कुछ लेके आ जाएगा। चार घंटे आई थिंक 4 hours मिनिमम इतना तो देने चाहिए आई थिंक, मतलब घर पे हो तो मतलब मे बी 6 घंटे तो दे ही सकते हो। अच्छा भाई 4 से 6 घंटे ये तो मतलब रेंज बहुत है इतना। ये तो है भाई 6 घंटे के आसपास आप दोगे तो रहेगा। अच्छा क्लासेस इंक्लूडेड है क्योंकि मैं 6 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मतलब कोई भी रहेगा तो मतलब इतना ज्यादा अटेंशन तो देता नहीं, मतलब बहुत कुछ उसको अपने से ही पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम डेफिनेटली आपको इंक्रीज करना होगा तभी आप अच्छा मार्क्स अटेंड कर पाओगे। IIMU का कुछ पता नहीं, अगर ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन एग्जाम लिया तो जाए टफ कर देता है वो पेपर, ऑफलाइन लिया तो फिर भी हाँ प्रीवियस ईयर से आप देख कर कुछ आइडिया ले सकते हो कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे नहीं। अगर ऑनलाइन लिया अगर पैटर्न चेंज कर दिया तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर मिलेगा ही नहीं, तो आप आइडिया क्या लगा पाओगे मतलब किस हिसाब का डिफिकल्टी रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तो है भाई, तो है सही बात है यार। अच्छा चलिए यार एक चीज और बता, जैसे कि क्या बोलते हैं वो स्पोर्ट्स कितना जरूरी है, देखो लगता है कि स्पोर्ट्स कितना जरूरी है, जैसे तू देख रहा है मैं देख रहे हो शैलेश मेरे को, मैं भी ऐसा ही था जब मैं कॉलेज में था, मैं ऐसा हो गया हूँ भाई, तो कितना मतलब लगता है देख के तेरे को भाई कि मेंटेन करके रखा हुआ है तो कितना इंपॉर्टेंट फील होता है तेरे को। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितना भी पढ़ाई करते हो मतलब बिल्कुल स्ट्रेस आपको बिल्कुल रिलीज हो जाता है उसमें। मैं स्पोर्ट्स खेल के मतलब 2 घंटे शाम को खेल के आता हूँ तो बिल्कुल रिलैक्स महसूस फील करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मतलब हाँ आराम से 10-11 बजे तक चला जाता है, कोई मतलब बर्डन सा फील नहीं होता उसमें। अब लगातार आप कंटिन्यूसली बैठे हुए मतलब बोरिंग सा भी फील होने लगता है ना, फिर मन करता है भाई मूवी देख ले, मूवी देखने से अच्छा भाई चले जाओ खेल लो कूद, अच्छा आपका मतलब फिटनेस भी बना रहता है उसके साथ है। शिप पे काम करना होता मतलब भाई ऐसे थोड़ी चले जाओगे, मसल्स में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहनी चाहिए ना भाई। हाँ ये तो है भाई, जो भी भाई जिसका रोल नंबर भी 4-5 हो वो बताना ठीक है। 4-4 अच्छा 4-4 हाँ यार तेरा 4-4 सॉरी भाई ठीक है, तो जिसका भी रोल नंबर 4-4 आएगा समझ जाओगे 4-4 जो भी होगा वो अगले 1.5 महीने पता लग जाएगा जब भी वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कौन कौन 4-4 है। पार्टी मिलेगी सबको, सैलेश सर देंगे मतलब स्कॉलरशिप भाई है सर की 50,000 रुपये कितनी बार दी भाई तेरे को अभी तक। अभी तो एक ही बार मिली है फिर उसके बाद कहाँ दे रहे हैं लोग। तो अच्छा पढ़ोगे तो यार ये बात भी है, पैसे भी मिलते हैं, बताना भाई क्या क्या क्राइटेरिया है पैसों का। स्कॉलरशिप भी मिलता है और क्या मतलब आईएमयू और थोड़ी कुछ देता है। नहीं कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना कि किस किस को कितना कितना पैसा मिलता है वो बताइए भाई, एक बार मेरे को याद नहीं आ रहा। जाने के लिए सैलेश बॉर्डर पे था मतलब 32-33 रैंक रही होगी, कुछ कुछ पॉइंट परसेंटेज से रहा था ना भाई तेरा 75,000 जितना मेरे को याद है अपने बैच से लास्ट 81.4 या 81.2 तक गया था भाई, इनको पैसे मिल रहे थे। तो देखो 81 तक भी लाओगे ना चलेगा, तो उसमें भी हो जाएगा टूर्नामेंट ठीक ठाक आ जाएगा। कुछ कुछ टाइम पेपर जब टफ होता है तो 78 तक भी आ जाती है चीज, तो याद रखना भाई मतलब अगर सीरियसली पढ़ोगे ना तो मिल जाती है लगभग स्कॉलरशिप, तो फायदा रहेगा यार और लोन वोन जल्दी चुका लेंगे अपना और क्या है। अच्छा लोन के बारे में क्या है भाई तेरा विचार, लोन बच्चे में से पूछते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप पे डिपेंड करता है, अगर पेरेंट्स पे बर्डन नहीं फील कर रहे हैं तो आप ले लो, अगर फील कर रहे हैं पेरेंट्स बर्डन मतलब पेरेंट्स बर्डन नहीं फील कर रहे हैं तो ठीक है भाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, आप भी मतलब बर्डन ये तो नहीं रहेगा ना कि हाँ जॉब ही लेना है जॉब लेना है। हाँ अगर बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भाई बोलता है कि हाँ आप लोन ले लो तो हाँ अप्लाई कर दो भाई ले लो, बिल्कुल इजिली लोन मिल जाता है। SBI लोन तो मतलब 7.75 इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब अपना कॉलेज उनके बी कैटेगरी पे आता है उनका, ए है फिर ए है फिर बी है, ए में IIT आता है और NIT भी आते हैं टॉप के, फिर बी में लोअर NIT भी आते हैं फिर अपना कॉलेज भी आता है उनके कैटेगरी में।
आपको बाकी 20 तो 9 लाख रुपए 9 लाख का लोन लोगे आप लोग, टोटल खर्चा बैठ जाएगा यार आपका 10-11 लाख में लगता लग जाएगा यार। और भी खर्चे होते हैं। तेरे महीने का कितना खर्चा लगता था भाई जब तू कॉलेज में था? तू तो कुछ भी नहीं करता था भाई। मैं तो कुछ करता नहीं सब, फिर भी लग जाते थे मतलब इधर उधर का लेके तो 2-3 हजार पड़ जाते थे आराम से। हाँ खर्च करोगे तो सप्लायर खाता था सलाह, सप्लायर खाया था मतलब 20-10 मेरा पहले मतलब पहले महीने में 6,000 रुपए खर्च किया सप्लायर, सप्लायर पे क्या ले लो ये ले लो वो ले लो, नाइट सूट दिया था भाई मुझे लगता है 5,500 का नाइट सूट दे रहा था वो, 3 नाइट सूट खरीद लिए थे मैंने जो जो धुलना पड़ता है रोज रात को बैठ के, तुम्हें नहीं पता अभी बात रात को रोज धुलना पड़ता भाई। मैंने मैंने दो दो खरीद रखे थे, दोनों गंदे थे, जो भी आता था मैं वैसे ही पहन लेता, कोई भी मतलब सीनियर कुछ भी करे बस वैसे ही पहनना है उसको, मैं बोल देता था धोले धोले 15 मिनट के लिए तो आदमी को पहनना होता है, 10 मिनट के लिए उसमें भी धुलवा के पहना रहे हो। तो देख लो भाई कितना टाइम बचा था, धुलने में बहुत टाइम लगता है, धुलने में आपको लग रहा होगा जाके धुल लिया आपने, ऐसा नहीं ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है, तुमने नंबर का इंतजार करोगे तुम्हारा नंबर आएगा। कॉलेज में टाइम ही नहीं मिलता भाई, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल नहीं, हमारे कॉलेज में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तुम किसी भी हालत में टाइम नहीं मिलता ना, तुम्हें निकालना पड़ेगा टाइम अपने हिसाब से, तुम सोचोगे रात हो गई 1.5 घंटा 2 घंटा फोन चला लेते हैं फिर तो भूल जाओ, फिर तो टाइम नहीं मिलने वाला तुम्हें किसी भी हालत में। तो फॉलिन के बाद भी सीनियर रमन ग्रिल पे वेट कर रहा है भाई, आओ बाकी है तुम्हारा कुछ काउंटडाउन, वो सब चलता रहता है कॉलेज में। ठीक है यार कॉलेज में बहुत डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, और मैं तो कहूँगा गुटबाजी से भी दूर रहना थोड़ा सा, कॉलेज आओगे तो ऐसा गुटबाजी में मत रहना, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी समझ गया होगा भाई चैलेंज तो फालतू की चीज़ें चल सकती है, वो सब में मत रहना यार, अपना पढ़ाई करो मस्त रहो। तो थैंक्स भाई शैलेश चैनल पे आने के लिए, और आप फ्यूचर में शैलेश सर को ज़्यादा देखेंगे क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों को कुछ भी जानना होगा तो मैं सर को ही बुलाऊंगा, मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, सर ज़्यादा बेटर बताएंगे वो हर चीज़। ठीक है आप बहुत सही है मतलब आप देखो जैसे कि आप जाओगे ना अपने बैच में आपको भी फीलिंग आएगी कि कुछ बच्चों के मार्क्स आते हैं कुछ को नॉलेज भी होती है, तो सर उनमें से हैं जिनको मार्क्स भी आते हैं नॉलेज भी होती है। ठीक है आपको पूछना है ना कुछ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है अगर तुम वेरीफाई वगैरह करना हो भाई। ठीक है तो थैंक यू वेरी मच यार शैलेश भाई, और बाय बाय टेक केयर, आई एम सिटी एस्पिरेंट्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।